ओके थैंक यू उमेर. ओके अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फायजा साबिर एंड आई एम द मार्केटिंग मैनेजर एट वॉन रोबोटिक्स लीग. सो कुड यू प्लीज ओपन योर टर्न ऑन योर कैमराज. ओके बेसिकली थैंक यू नमीरा. Okay, this I am Faya Sabin and I'm the marketing manager at Advan Robotics League. And basically, what is Advan Robotics? Advan Robotics is the biggest, is the first STEAM curriculum provider in Pakistan. And currently, we are working with the Ministry of Science Education, KPK government, federal government, Shahid Afriyi Foundation, and isi tarah ke different city schools. डिफरेंट इसी तरह के इंस्टीट्यूट के साथ हम काम कर रहे हैं प्रीवियस 5 ईयर से. ठीक है, और हमने इधर जो वी आर द पायनियर इन कोडिंग एंड रोबोटिक्स करिकुलम, और हम स्कूल्स में रोबोटिक्स स्टीम करिकुलम इंट्रोड्यूस करवाते हैं एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट. ओके सो आज का जो हमारा सेशन है वो इस बारे में है कि कोडिंग एंड रोबोटिक्स स्टूडेंट्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, किड्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और जो हमें एडवांस रोबोटिक्स लीग हमारा एक फ्लैगशिप इवेंट है वो हम क्यों ऑर्गेनाइज करवाते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं. ठीक है, तो एडवांस रोबोटिक्स लीग जो है इट्स बेसिकली बिगेस्ट कोडिंग एंड रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन होता है पाकिस्तान में और ईयरली होता है एक्सपो सेंटर में. ठीक है, और इसने हमारे लास्ट ईयर हमारे इस इवेंट में 120 स्कूल्स के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान से. और इसमें सिटी स्कूल है, बिकिन हाउस से आपका केपीएस स्कूल है, और यूनिवर्सिटीज हैं, एनआईटी हो गई, अपनी हबीब यूनिवर्सिटी हो गई, यहाँ के तमाम स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था. तो आज इसको सेशन करवाने का मकसद ये है कि आप भी जो इंडिविजुअल पेरेंट्स हैं जिनको इन्वाइटेड नहीं है इस बात की, या उन्हें एक्सपोजर नहीं है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हमें अपने स्टूडेंट्स को कोडिंग एंड रोबोटिक्स क्यों करवानी चाहिए, दिस सेशन इज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ कोडिंग. ओके तो मैं अपने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने आई एम गोइंग टू हैंड ओवर टू मिस्टर नबीर. ही इज अ सीईओ ऑफ एडवान रोबोटिक्स एंड ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज एडवान व्हाई कोडिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर योर किड्स. एंड आफ्टर देन वी विल बी हैविंग अ क्यूए सेशन. सो आपके जो भी क्वेश्चन हो आप चैट में लिख सकते हैं, और देन 1:30 के बाद हम जो है आपकी क्यूरीज जो है वो उसको क्वेश्चन का आंसर करेंगे. ओके चले हैंड ओवर टू मिस्टर नबील. आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैन यू हियर मी? काइंडली जस्ट मैसेज पे आप बता दें कि इफ यू कैन हियर मी गाइस. कैन यू हियर मी गाइस? ओके दैट्स गुड. थैंक यू मनाल फॉर द कंफर्मेशन. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोहम्मद नबील फ्रॉम एडवान रोबोटिक्स. सबसे पहले टू स्टार्ट विद माय बैकग्राउंड और माय एजुकेशन बैकग्राउंड, आई डिड माय अंडरग्रेड इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी यूनिवर्सिटी. देन बिकॉज आई वाज लाइक मोर इंटरेस्टेड इन रोबोटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, यू नो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, सो आई वेंट टू साउथ कोरिया फॉर डूइंग माय मास्टर्स इन रोबोटिक्स. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स इन रोबोटिक्स I went to Germany, you know, Technical University Munich. I started my PhD. But when I was doing my PhD at Technical University Munich, I have realized that Pakistan ke andar jo hamare school ka curriculum hai, wo bahut zyada outdated hai. Aur ye hum sabko pata hai. Matlab hamare parents ne jo padha ya hamare, you know, bade siblings hain, unhone padha, wohi cheez hamare bachche abhi tak padhte hain. Hum schools ke andar jo kaam karte hain, abhi tak hum ye dekhte hain ki schools ke andar बच्चों को कंप्यूटर का अगर आप बुक उठा के देखें उनकी, तो उसमें अभी तक हम ये पढ़ा रहे हैं कि माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, फ्लॉपी डिस्क क्या है. अगर हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो वो कितनी ज़्यादा आगे जा रही है और कितनी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन हम अपने करिकुलम को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहा. दैट इज़ द वन रीज़न जिसकी वजह से हमने ये स्टार्ट करने का सोचा. दूसरा एक जो रीज़न है वो ये है कि हम पाकिस्तान में ये देखते हैं बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को
आप ये समझ लेंगे, कंप्लेन कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं, ठीक है, और हर बंदा जो इंजीनियरिंग भी कर लेता है उसको जॉब्स नहीं मिलते, और अगर जॉब्स मिलती भी हैं तो बहुत ज़्यादा हाई पेइंग जॉब नहीं होती। लेकिन अगर आप इसकी दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी देखें कि पाकिस्तान और इंटरनेशनली जो आईटी के स्किल्स हैं, जिसमें बहुत सारे स्किल्स आ जाते हैं, कोडिंग इज वन ऑफ द स्किल, लेकिन इसके अलावा कोडिंग के अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, और इस तरह के बहुत सारे स्किल्स, साइबर सिक्योरिटी है, ये वाले स्किल सेट के लोग जो हैं ये एक तो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है और इंटरनेशनली भी बहुत कम लोग हैं। दूसरी चीज, इनका जो सैलरी पे स्केल है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल के एक लड़का है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है और दूसरा लड़का है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करता है, तो सॉफ्टवेयर वालों का जो पे स्केल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है कंपेयर टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या अदर डिसिप्लिन। तो और अगर पाकिस्तान में हम देखते हैं कि हम आईटी इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री के साथ और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं, तो इस टाइम पे यू कैन नॉट बिलीव कि पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, 100,000 आईटी रिसोर्स की ज़रूरत है और पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा गैप है हमारी मार्केट के अंदर। तो अगर हम अपने बच्चों को, और अच्छा, हम स्कूल लेवल से क्यों ये चीज़ें सिखाना शुरू कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि देखें ये ऐसा स्किल सेट है, टेक्निकल स्किल सेट, कि जिसके अंदर ना आपके ब्रेन को उस तरह से ट्रेन होना पड़ता है। लेकिन अगर हम अपने स्कूल और करिकुलम देखें तो उसमें सिर्फ बच्चा रट्टा लगा रहा होता है। तो अगर एक बच्चा रट्टा लगा रहा है थ्रू आउट स्कूल, थ्रू आउट अपने इंटर, और फिर थ्रू आउट अपनी यूनिवर्सिटी, तो उसके बाद अगर आप बोलें कि आपको लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सेट यूज़ करने है, तो वो बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से अगर हम कोडिंग के और आईटी स्किल्स को स्कूल के करिकुलम से या स्कूल लेवल से बच्चों को सिखाएं, तो पहला फायदा कि बच्चे को आईटी के स्किल्स आ जाएंगे, ठीक है, जो कि उसको फ्यूचर जॉब्स हासिल करने में हेल्प कर रहे होंगे, या अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है वो। सेकेंड इज, क्योंकि दो स्किल्स सेट है, एक है हार्ड स्किल जिसे टेक्निकल स्किल्स कहते हैं, दूसरे हैं सॉफ्ट स्किल्स जो कि कम्युनिकेशन स्किल सेट कहलाते हैं, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सेट कहलाते हैं, बच्चे के ये भी डेवलप हो रहे होते हैं। आप जितने भी पेरेंट्स आज जिन्होंने ज्वाइन किया है, आप सब कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, तो आप लोगों को पता है कि एक वो बंदा जो टेक्निकली साउंड है सिर्फ, और एक वो बंदा जो टेक्निकली साउंड होने के साथ साथ उसके सॉफ्ट स्किल्स भी अच्छे हैं, तो उस बंदे की ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो रोबोटिक्स या कोडिंग के स्किल सेट सिखाने से या कॉम्पिटिशन में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाने से जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि बच्चे टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ अपने जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनको भी इम्प्रूव कर रहे होते हैं। मैं आपको सबसे पहले, क्योंकि हम ये इवेंट 2016 से ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं एडवांस रोबोटिक्स लीग, मैं लास्ट 2019 में जो हमारा इवेंट हुआ था, क्योंकि कोविड की वजह से 2020 और 2021 में हमारा ये इवेंट नहीं हो सका, मैं लास्ट इवेंट की आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ताकि आपको ये आइडिया हो कि पूरे पाकिस्तान से ऑलरेडी कितने स्कूल्स के बच्चे, स्कूल लेवल पे जो कि थर्ड ग्रेड है, फोर्थ ग्रेड के बच्चे हैं, वो ऑलरेडी इस चीज़ों को अपने स्कूल लेवल पे काम कर रहे हैं। मैं ये वीडियो प्ले कर रहा हूँ, तो काइंडली बता दीजिए इसके अंदर आपको आवाज़ आ रही है वीडियो की। लेट मी सी इफ आई कैन शेयर माई स्क्रीन। यस, वीडियो की आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके, लेट मी जस्ट चेक इसके अंदर। आईटीसी ने एशिया के अंदर कराची एक्सपो सेंटर में 17, 18, 19 को रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन सिंपोजियम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रोबोटिक्स पवेलियन ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है।
Vermont team has facilitated us and trained our students. ओके सो अगर आप ये वीडियो देखें, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को रियलाइज हुआ होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो उनको ये लगता है कि हमारे बच्चे अगर थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड या स्कूल में किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो वो कोडिंग या रोबोटिक्स के स्किल्स नहीं सीख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में देखें कि कराची के डिफरेंट स्कूल से बच्चे आए हुए हैं और वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चे विन भी किए, तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे भी ये चीज़ें सीख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस तरह से मैं बता रहा था ना कि आईटी के स्किल्स की रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा है, तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन। कोर्सेरा का मोस्ट प्रॉब्ली आप सबको पता होगा, कोर्सेरा के 2002 का ये न्यू आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है कि 7 इन डिमांड स्किल्स हैड टू बूस्ट योर रिज्यूमे, ठीक है। इसमें आप देखें सबसे पहला सिक्योरिटी एंड सेकेंड इज प्रोग्रामिंग। तो इसका मतलब ये है कि कोर्सेरा, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ, कोर्सेरा इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जो कि ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहा होता है राइट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि जो पहला स्किल है वो सिक्योरिटी है, सेकंड है प्रोग्रामिंग जो हाईली इन डिमांड है। हाईली डिमांड का मतलब ये है कि उससे उसकी जॉब्स भी बहुत ज्यादा है और उसका जो पेइंग स्केल है वो भी बहुत ज्यादा है। इसी तरह से अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट क्या बोलती है कि अगर आपके बच्चों को टॉप स्किल्स की बात करें, ठीक है, क्योंकि देखें हम स्कूल में या बच्चे को एजुकेशन इसलिए देते हैं कि बच्चे एक तो ऑब्वियसली एक अच्छे शहरी बन सकें और दूसरी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि उनको ऐसे स्किल सेट हम दे सकें जिसकी वजह से वो आने वाले वक्तों में एक अच्छी जगह पे जॉब कर सकें और वहाँ ग्रो हो सकें। तो यहाँ पे देखें अगर स्किल सेट वर्ल्ड इकोनॉमिक, ये मैं आपको डायरेक्टली लिंक्स इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को ये पता चले कि ये बात मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म कह रहे हैं कि बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट, वर्किंग विद पीपल, एनालिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और कोडिंग का जो सबसे बड़ा फायदा है, अगर सिर्फ स्पेसिफिक टू कोडिंग बात करूं, उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग स्किल सेट जो है वो बच्चों की बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ किस तरह से। लेट्स सपोज अगर हम ये बात करें कि बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सेट कैसे इंप्रूव होती है, एग्जाम्पल के तौर पर आप कंसिडर करें कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं, आप अगर रूम में किसी बैठे हैं, आप लोगों से बोलूं कि अपने रूम के दरवाजे तक चले जाएं, तो आप लोग विदाउट एनी थिंकिंग आप लोग अपने दरवाजे तक चले जाएंगे। लेकिन इमेजिन करें कि आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए, ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं देख सकते हो, और फिर आपको बोला जाए कि आप जो है वो अपने दरवाजे तक जाएंगे। तो जब आपकी आंखों पे पट्टी होगी, इमेजिन करें इस चीज़ को, तो फिर आपको सोचना होगा स्टेप बाय स्टेप कि मुझे खड़ा कब होना है, खड़े होकर लेफ्ट कितने स्टेप जाना है, फिर राइट होगी कितने स्टेप जाना है और कितने स्टेप बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको फिर लॉजिकली उन स्टेप्स को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, जिसे हम एल्गोरिथम कहते हैं अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में, राइट। अब इमेजिन करें जब बच्चा कोडिंग करता है या रोबोट को प्रोग्राम करता है, तो रोबोट या कोडिंग कोई भी गेम बना रहा है तो उसमें जो हमारा कंप्यूटर है वो ब्लैंक है, ठीक है। अब वो जो ब्लैंक चीज है उस बच्चे ने खुद सोचना है कि यार मैं इसको क्या इंस्ट्रक्शन दूंगा कि जो मैं टास्क चाह रहा हूँ वो टास्क कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल आप गेम खेलते हैं तो आप एक बटन, लेट्स सपोज रेसिंग कार खेल रहे हैं, आप बटन प्रेस करते हैं वो कार आगे पीछे और तेज चलना शुरू हो जाती है,
तो बच्चे ने खुद लॉजिक क्रिएट करनी है कि मैं ये बटन प्रेस करूं तो कार राइट जाए, ये बटन प्रेस करूं तो लेफ्ट जाए, और अगर कोई और बटन प्रेस करूं तो उसकी स्पीड कम या ज्यादा हो। तो जब बच्चा, इमेजिन करें कि बच्चे को जब हम स्कूल लेवल से ही इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का ब्रेन इस तरह से ट्रेन हो जाता है कि वो लॉजिकली हर चीज को सोचना शुरू करता है। ठीक है, दूसरा इसका फायदा अगर आप देखें, एक तो मैंने आपको बता दिया हार्ड कोर उसके फ्यूचर के परस्पेक्टिव से। दूसरी चीज अगर हम देखें, हमारे बच्चे मोबाइल गेम्स या लैपटॉप या इन सबके गेम्स में लगे हुए होते हैं, लेकिन उसका रीजन क्या है? हमने उस बच्चे को, अपने बच्चों को कोई प्रोडक्टिव ऑल्टरनेटिव नहीं दिया हुआ। तो अगर हम अपने बच्चों को प्रोडक्टिव ऑल्टरनेटिव इस सेंस में देते हैं कि भाई आप गेम खेलते हो, आप गेम खेलो, लेकिन पहले उसको खुद बनाओ और खेलो, तो बच्चे का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, जो कि उसके फ्यूचर ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा होगा। इसके अलावा यू कैन नॉट, एवरीवन कैन हियर मी? शाहिद ने मुझे कहा है कि यू कैन नॉट हियर मी। काइंडली अदर पार्टिसिपेंट अगर मुझे कंफर्म कर दें कि कैन यू हियर मी गाइस टेक्स्ट चैट पे। ओके शाहिद, आप अपने पास चेक कर लें, मेरे ख्याल से वहां पे कोई आपकी तरफ चेंजेस आई होंगी, बाकी सबको आवाज आ रही है। सो थैंक यू। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा अगर हम अपनी कंपनी के परस्पेक्टिव से बात करें कि हमने अपने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया रिसेंटली आईजी सिंध के साथ मिलके, जो कि प्रिजनर्स ऑफ जेल हैं, कि हम जो जेल के अंदर जो बच्चे जो कि आते हैं किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से, तो रिहेबिलिटेशन सेंटर में आते हैं। उन बच्चों को रिहेबिलिटेशन का मकसद ये होता है कि वो बच्चे वहां से पढ़ें और उसके बाद जब वो बाहर निकले तो अच्छी जॉब कर सकें। तो उनके लिए हमने साथ मिलकर एक प्रोग्राम बनाया आईटी का, ताकि वो बच्चे आईटी के स्किल्स सीखें, फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, और जब वो जेल से वापस जाएं तो वो एक अच्छे शहरी की तरह अपना रोल प्ले कर सकें। राइट, इसी तरह से अगर हम एक और, हमारी जो शाहिद अफरीदी फाउंडेशन, क्या 100 तकरीबन 120 या 130 स्कूल हैं जो कि एनजीओ बेस्ड स्कूल है, वहां पे हमने आईटी के स्किल्स इंट्रोड्यूस किए। हमारा मेन मकसद यह है कि हम पाकिस्तान के स्कूल लेवल पे इस चीज को इतना आम कर दें कि हमारा हर बच्चा जो है वो किसी फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से अपनी पढ़ाई को ना छोड़े। क्योंकि ये स्किल्स का फायदा ये है कि अगर बच्चा थोड़ी सी खुद से मेहनत कर ले तो फ्रीलांसिंग के जरिए भी एक अच्छी अमाउंट अर्निंग के ऊपर कर सकता है, अपार्ट फ्रॉम उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो। इसी तरह से सिंध एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ हमारा रिसेंटली एमओयू साइन हुआ है। हम सिंध के 50 गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर हम करिकुलम के अंदर कोडिंग और रोबोटिक्स को मैंडेटरी पार्ट बना रहे हैं। ये सारी चीजें दिखाने, इसी तरह से सईद गनी साहब से ही बात हुई थी इसी सिलसिले में कि हम करिकुलम का पार्ट बनाए। इसी तरह से हमारी रेंजर्स के कुछ स्कूल से बातचीत चल रही है, उनसे, उनके साथ हम करिकुलम का पार्ट बना रहे हैं। इसी तरह से केबी के मिनिस्ट्री के साथ हमने काफी ज्यादा काम किया, उनके तकरीबन 30 स्कूल हैं जिसके अंदर हमने इसको करिकुलम का पार्ट बनाया है। तो ऑल ओवर द पाकिस्तान बहुत सारी मिनिस्ट्री लेवल पे भी, एजुकेशन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी इस चीज को बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि वी ऑल नो कि आने वाले वक्तों में जो जॉब्स हैं, आने वाले वक्तों में जो फ्यूचर है, वो इन्हीं स्किल सेट का है। तो अगर हम अपने बच्चों को ग्रो करना चाहते हैं तो अभी से हमें उन्हें स्किल्स के ऊपर लेके आना पड़ेगा, ताकि हमारे बच्चे को एक सही डायरेक्शन मिल जाए, बजाय इसके कि वो फजूल के गेम्स खेले, बजाय इसके कि वो फजूल गैदरिंग्स में बैठे, वो एक, उसे डायरेक्शन मिले और वो फिर वहां से एक अपना अच्छा फ्यूचर बना सके। तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई साइड। आई थिंक जो मेन डिस्कशन थी वो मैंने अपने तरफ से कर ली है। अब आप लोगों के जो सवाल हैं वो सवाल जो है आप चैट पे भी पूछ सकते हैं, आप हैंड रेस कर सकते हैं, मैं फायदा आपको अलाउ कर लेंगे, आप स्पीकर के ऊपर भी सवाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स के सवाल होता है कि हमारे बच्चे को तो कोडिंग नहीं आती तो वो कॉम्पिटिशन में कैसे पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर आप अपने बच्चे को रजिस्टर करवाते हैं इस कॉम्पिटिशन के अंदर कोडिंग के, जो कि 24, 25, 26 अगस्त में होना है, तो उस कंपटीशन से पहले हम आपके बच्चों को ऑनलाइन कोडिंग का कोर्स करवाएंगे, उनको पूरे क्विजेस होंगे, उनके असाइनमेंट होंगे, ताकि वो प्रैक्टिस भी कर सकें और फिर उस प्रैक्टिस के बाद वो बच्चे आराम से इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
नमिरा का मैं सवाल है कि बेस्ट एज फॉर कोडिंग पकेट्स, तो बेस्ट एज जिसमें से हमने जो मिनिमम एज हमने देखी है जिसमें बच्चा आराम से सीख सकता है वो थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड का स्टूडेंट होता है, जो कि 8 साल 9 साल की एज बनती है। तो दिस इज द बेस्ट एज जिसमें बच्चे को समझ में आना शुरू हो जाता है उसे इंग्लिश के, बिकॉज ऐसे बात है कोडिंग के लिए इंग्लिश की कुछ अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, तो वो बहुत थोड़ी बहुत के बच्चे को पता हो कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो किस तरह का लिखा हुआ है, तो वहां से बच्चे पढ़ सकते हैं। ओके, आजम सलमान का है, इस पाइथन बेटर देन जावास्क्रिप्ट टू मेक एन ऐप। अच्छा, यहाँ पे अभी हम स्पेसिफिकली जो बात कर रहे हैं स्कूल के बच्चों के लिए, तो उसमें जो बेसिक लेवल का कोर्स है, क्योंकि हम अभी बेसिक लेवल, तो उसमें हम ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग करवाते हैं बच्चों को। ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग का हमारा मकसद ये होता है कि बच्चा ज्यादा फोकस करे उसके एल्गोरिथम डेवलपमेंट पे, बजाय इसके कि वो बच्चा जो है वो सिंटेक्स में होते। और जिस तरह से आने वाले वक्तों में चेंजेस आ रही हैं, बहुत सारे नो कोड प्लेटफॉर्म आ गए जिसमें आपके अच्छे कोड करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप चीजें कहते हैं, उससे सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए टू मेक एन ऐप वेबसाइट और उस तरह की चीजें। ओके, नमिरा का मैसेज है कि कोडिंग ऑनलाइन की फीस क्या होगी। अच्छा, इसका जो ड्यूरेशन है, क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्स है तो इसके अंदर जब हमारे पास रजिस्ट्रेशन आती है, जिस तरह से अभी हमारे पास तकरीबन इस कॉम्पिटिशन के हवाले से 5 से 6 बैचेस बन चुके हैं, तो जैसे ही हमारे पास 25 स्टूडेंट्स कंप्लीट होते हैं तो हम उनकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का जो नॉर्मली टाइमिंग होती है वो 2 बजे से लेके 6 बजे के दरमियान किसी टाइम हम उस टाइम स्लॉट को लॉक करते हैं। तो नॉर्मल टाइमिंग ये होती है, जब रजिस्ट्रेशन होती है तो फाइनल टाइमिंग आपको बता दी जाती है। पर स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 3000 है, उसमें आपकी बच्चे की कॉम्पिटिशन के अंदर रजिस्ट्रेशन भी इंक्लूड है और कोडिंग का कोर्स भी इंक्लूड है, इसके अलावा कोई और चार्जेस नहीं है, पर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा कॉम्पिटिशन के अंदर जो बच्चे विनर होंगे उनकी विनिंग प्राइस एक कैटेगरी की 1 लाख रुपए, जो बच्चा विन करेगा उसे 1 लाख रुपए प्राइस मिलेगा, या टीम के अंदर अगर रजिस्टर करता है टीम के अंदर भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम 4 बच्चों की टीम हो सकती है, अलाव अगर 4 बच्चे एक साथ ऐसा टीम रजिस्टर करवाते हैं तो उसकी 8000 फीस है। ओके, जैसा था मैंने ऑलरेडी कोडिंग और रोबोटिक्स के लिए आंसर दे दिया कि बेस्ट एज 8 to 9 years old है जिसमें बच्चा इनरोल कर सकता है, उसके बाद ऑनवर्ड्स। अच्छा, महीने का कोर्स नहीं है ये, नॉर्मली कोर्स में आप आइडिया लगें, कोर्स ना नंबर ऑफ आवर्स पे होता है ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो टोटल कोर्स होता है वो 16 आवर्स का कोर्स होता है, 8 क्लासेस होती हैं और वो हम रेगुलर बेसिस पे बच्चे को अलाउ करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस हमारे इंस्ट्रक्टर के साथ कोलेबरेशन के अंदर हाइब्रिड मॉडल में करवाते हैं, तो बच्चे आराम से 1 हफ्ते में कम्प्लीट कर लेते हैं इस कोर्स को। मिनिमम एज मैं बता चुका हूँ, व्हाट आर द प्रीवियस मिनिमम एज 8 to 9, फीस भी बता चुका हूँ 3000 पर स्टूडेंट। यस, होम स्कूलर जो है वो इंडिविजुअल होम स्कूलर हो गए, कोई भी होगा जिनके बच्चे इस एज ग्रुप में आते हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ममान के सवाल पे जवाब दिया मैंने। ओके, बच्चों के लिए मैं लैंग्वेज का बता चुका हूँ, वो हम स्टार्ट करेंगे, ब्लॉक बेस्ड कोडिंग लैंग्वेज होती है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दोबारा दिखा भी देता हूँ किस तरह का सॉफ्टवेयर यूज हो रहा होगा। इस तरह का सॉफ्टवेयर है, क्योंकि कोडिंग के अंदर मेन चीज है लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज करके दिखा देता हूँ, लेट्स सपोज ये जो एक पांडा है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको मुझे मूव करना है यहाँ पे, राइट। अगर मुझे ऐसे मूव करना है यहाँ पे तो इसके लिए मुझे लॉजिक सोचनी पड़ेगी ये कैसे बनाना है। तो इस सॉफ्टवेयर में सिर्फ और सिर्फ बच्चे ने लॉजिक सोचनी है और उसको टूल्स किस तरह से यूज करने ये आने चाहिए, और फिर उसके बाद जब वो क्लिक करेगा, फॉर एग्जांपल आगे मूव करना है, अब देखिए मैंने एक क्लिक किया, मुझे इसको लेफ्ट से राइट के कॉर्नर पर मूव करना है, तो जब मैंने प्ले किया तो वो पूरा राइट पे नहीं आया, तो इसका मतलब ये कि मुझे सोचना पड़ेगा या इसके स्टेप फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो मैंने 50 करके देख ली, 50 में भी नहीं आया फॉर एग्जाम्पल, तो फिर मुझे और स्टेप करने पड़ेंगे। तो इस तरह से ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की पूरी डिटेल आपके बच्चों को सिखाई जाएगी कि किस तरह से यूज होगी। ओके, विल बी एवर देन कंपटीशन आफ्टर, जी जी, आपके बच्चे का आप समझ लें थर्ड फोर्थ ग्रेड से कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कैटेगरीज डिफरेंट डिफरेंट बनी हुई है। 5 साल के बच्चा एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि उसे सिखाना चाहें भी तो हम नहीं सिखा सकते, क्योंकि एज ग्रुप बड़ा छोटा होता है उस टाइम पे।
एट मैंने बताया ना कि 8 9 का अगर आपका बच्चा है, ताहिर को जवाब दे रहा हूँ, तो आप इस कंपटीशन में कोई उसको नॉलेज नहीं हो कंप्यूटर की, कुछ भी नहीं हो, हम उसे कोर्स करवा देंगे। और रोबोट, यस बुशा का सवाल है, फॉर रोबोटिक्स कोडिंग इज नेसेसरी? यस, आप इसको इस तरह से समझें कि एक मशीन होती है ना, तो उस मशीन को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कोडिंग के जरिए देते हैं। तो रोबोट एक काइंड ऑफ मशीन होती है, तो उसको आगे जाना है पीछे जाना है, तो जो इंस्ट्रक्शन देनी है इसको हम कोडिंग कहते हैं। तो रोबोटिक्स के लिए जरूरी है कि कोडिंग आनी चाहिए आपको, वरना आप उसे मूव नहीं कर सकेंगे आगे पीछे। अच्छा, नामिरा का, नामिरा यस, इनका सवाल है कि कोडिंग के बेनिफिट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के अलावा, मैंने जैसा बता दिया कि कोडिंग के एक तो बेनिफिट्स हैं बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट, और मेन जो एडवांटेज है वो ये है कि बच्चा फ्यूचर की जो जॉब्स हैं वो है ही आईटी स्किल्स और कोडिंग से रिलेटेड। तो अगर बच्चा अभी से ही ये चीज़ें सीखना शुरू करेगा तो आने वाले वक्तों में उसे जॉब वगैरह के लिए इश्यूज नहीं होंगे। जब वो जॉब्स के लिए तरफ जाएगा तो उसे ग्रोथ में बहुत ज्यादा फायदा होगा। ही ऑलरेडी वर्किंग ऑन कोडिंग 5 ईयर ओल्ड ऑन स्क्रैच एंड कोड। अगर आपका बच्चा ऑलरेडी कर रहा है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग होती है, वो अपने बच्चे को खुद घर पे करवा लेते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को आता है तो आप हमें एक अंडरटेकिंग देंगे कि हमारा बच्चा इस एज ग्रुप में है, लेकिन प्रॉमिसिंग कि इसे आती होगी, हम बाद में कंपटीशन के दौरान कोई इस चीज़ के ऊपर इशू नहीं बनाएंगे कि हमारे बच्चे छोटा है इसे नहीं आती, तो अगर आप अंडरटेकिंग दे देंगे तो हम अलाउ कर देंगे। जी, एमएस वर्ड और कोडिंग डिफरेंट चीज़ है। कोडिंग आप समझ लें इंस्ट्रक्शन, जैसा मैंने आपको भी प्लेटफॉर्म बताया। ओके, नुमान का एक मैसेज है, कैन यू अलाउ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन? हम एक दो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया कि स्पेशल नीड्स के बच्चों को आप अलाउ करें, तो हम इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। नुमान, आप डायरेक्टली अगर हमें कांटेक्ट कर लेंगे मिस फायजा को कि एक्चुअली स्पेशल नीड की किस कैटेगरी में आपके बच्चे आते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि आपके बच्चे को अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि एक छोटी कैटेगरी स्पेशल नीड के बच्चों के लिए है। जी, कोडिंग के कोर्स के बाद, कोडिंग इस काइंड ऑफ जैसा मैथमेटिक्स होती है ना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा स्किल सेट डेवलप होगा, तो प्रैक्टिस तो ज़रूर करनी है। हाउ वी क्रिएट इंटरेस्ट इन आवर किड्स अबाउट रोबोटिक्स एंड एआई, कैन यू शेयर एनी मूवी? ओके ताहिर, मैं आपको जो है वो इस वेबिनार के बाद मैं साइजा ईमेल कर देंगे आपको, रोबोटिक्स और कोडिंग से रिलेटेड जो मूवीज वगैरह हैं उसमें इंडियन मूवीज भी हैं, हॉलीवुड मूवीज भी हैं, जिसमें बच्चे देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, खास तौर पे आयरन मैन टाइप की जो मूवीज़ हैं वो बच्चों को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप करवाती हैं। नामिरा, एकेडमिक तो डिस्टर्ब नहीं होगी? ये सवाल इसलिए मुश्किल है कि एकेडमिक डिस्टर्ब इस वजह से नहीं होगी क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ एकेडमिक, क्योंकि कंप्यूटर तो ऑलरेडी बच्चे ने एकेडमिक्स में पढ़ना ही है, आप उसको एक लेवल ऊपर लेके जा रहे हैं कि वो एक लेवल एडवांस, आपके जितने भी स्कूल के बच्चे होंगे उनसे एक लेवल एडवांस वो चीज़ें पढ़ रहा होगा, तो इसलिए एकेडमिक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी। और ऑब्वियसली जिस तरह से बच्चे खेलते हैं तो आप एक टाइमिंग मानते हैं कि आपने इसी टाइमिंग में करना है, तो ये तो इंडिविजुअल पेरेंट्स हैं कि उनकी वो टाइमिंग फिक्स करेंगे, इसी टाइमिंग में आपने कोडिंग की क्लासेस का काम करना है, बाकी टाइमिंग में आपने अपने बाकी जो क्लासेस हैं स्कूल की उसका काम करना है। जी बिल्कुल मनाल, कि अगर आपके 5 साल का बच्चा ऑलरेडी कोडिंग के गेम्स वगैरह खेलते हैं तो उनके लिए ये इजी होता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हमने जो अभी एज ग्रुप आपको बताया ना 8 9, वो हमने नॉर्मल पेरेंट्स के लिए बताया है जिनके बच्चे इस चीज़ों में नहीं है या उनके पेरेंट्स इस चीज़ों में थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं है, लेकिन जैसे मेरे जैसे पेरेंट्स हैं ना, अब मुझे पता है चीज़ों का, तो मेरा बच्चा 5 साल में 6 साल में आराम से चीज़ें सीख सकता है, क्योंकि वो बचपन से ये चीज़ें देखता हुआ आ रहा है और उसे मैं थोड़ा थोड़ा गाइड करता है। हम जो एज ग्रुप दे रहे हैं वो एक जेनेरिक ऑडियंस के लिए दे रहे हैं ताकि उनके बच्चे को परेशानी नहीं हो। हाउ टू रजिस्टर? रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक मिस फायदा आप लोगों को भेज देंगे। इसके अंदर एक और चीज़ भी है, वेबिनार आज के दिन जो जो पेरेंट्स हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्होंने जो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, वो अगर आज के दिन रजिस्ट्रेशन करके अपनी फाइनलाइजेशन करते हैं तो उनको हम एडवांस बॉडीज की तरफ से 10% डिस्काउंट देंगे, राइट? तो अगर आप आज रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, और
आपको व्हाट्सएप पे और ईमेल पे रजिस्ट्रेशन लिंक में फायदा भेज देंगे। जी फायदा शाहिद, 8 सेशन के अंदर बच्चे आराम से कोडिंग का कोर्स सीख लेंगे। ये हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आपको प्रीवियस जो कंपटीशन दिखाया था उसमें ही बच्चों को इतनी क्लासेस दी थी। और पिछले हम 6 साल से 2016 से काम कर रहे हैं, तो 6 साल हो गए अराउंड, तो 6 साल से हम डिफरेंट जगहों पे काम कर रहे हैं और बच्चे 8 क्लासेस में सीख लेते हैं। क्रिकेट भी पार्टिसिपेट कंपटीशन आफ्टर 8 क्लास, यस बता दिया है, कर सकते हैं। डेली क्लासेस होंगी, जी ऑनलाइन डेली क्लासेस होंगी, 8 क्लासेस पर ड्यूरेशन बता दिया। ओके, और कोई सवाल पेरेंट्स का? यहाँ से मैंने सबके आंसर दे दिए, अगर किसी का आंसर नहीं दिया हो तो काइंडली दोबारा आप टेक्स्ट करें। हु विल प्रोवाइड रोबोटिक, ओके शहराज का सवाल है कि हु विल प्रोवाइड रोबोटिक क्लासेस, रोबोटिक किट्स। अच्छा, ये जो कंपटीशन है इसमें कोडिंग कंपटीशन भी है और रोबोटिक्स भी है। तो अगर आप सिर्फ कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें आपको रोबोटिक किट्स की जरूरत नहीं है। और अगर आप फर्स्ट टाइम अपने बच्चे को इस चीज़ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सिर्फ कोडिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करवाएं ताकि बच्चे का इंटरेस्ट गेज हो सके। क्योंकि रोबोटिक्स की जब आप किट लेते हैं वो हम आपको बता देंगे कि ऑनलाइन कहाँ से मिल सकती है, कराची के अंदर अगर आप लोगे तो कराची में सदर में और दूसरी शॉप है वहां से भी मिल सकती है, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप फर्स्ट टाइम अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो सिर्फ कोडिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करवाएं ताकि आपको किट्स वगैरह की जरूरत नहीं। आई थिंक सारे पेरेंट्स के सवालों का हमने आंसर कर दिया है। तो इफ यू गाइज डोंट माइंड अगर आप अपने कैमरे ओपन कर लें, हिबा का सवाल है रोबोटिक किट अप्रोक्सीमेटली कितने की होगी? जो लाइन फॉलोइंग रोबोट जो इस कॉम्पिटिशन में हम यूज कर रहे हैं उसकी जो अगर आप मार्केट से बाय करके खुद बनाते हैं ना उसकी मैक्सिमम प्राइस मेरे हाथ से 4,000 के करीब होगी आई गेस, जो मेरा माइंड है। वो शॉप्स वगैरह के हम नाम बताते हैं, आप खुद जाके कंपोनेंट देख लीजिएगा वहां से। ओके मनाल, इट्स अ गुड सजेशन, इंशाल्लाह हम ये चीज अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। पेरेंट्स से थोड़ी सी गुजारिश है, अगर आप सब अपने कैमरे ऑन कर लें, हम एक काइंड ऑफ पिक्चर ले लें कि भाई आप लोगों के साथ, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला संडे वाले दिन, मुश्किल होता है संडे वाले दिन टाइम निकालना, आराम से सो के भी उठते हैं, लेकिन आई एम रियली यू नो एक्साइटेड के इतने सारे पेरेंट्स ने ज्वाइन किया। इट शोज के हमारे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के लिए एटलीस्ट इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि हम देख सकें कि उनको किस तरह से आगे उनकी ग्रोथ में, उनकी करियर डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। बस आप लोग इस ऑन कर दें कैमरा, हम एक पिक्चर लेंगे और आप लोग को अल्लाह हाफिज़ कर देंगे। और कोई सवाल इन जमीन वाले आप सवाल पूछते हैं, हम आंसर करते रहेंगे। इस वेबिनार के बाद भी अगर आपको कोई सवाल होता है तो मिस फायजा का नंबर है आपके पास, व्हाट्सएप का ईमेल आईडी हमारी, आप ईमेल पर व्हाट्सएप पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हिबा का सवाल है किड्स अगर दोनों में इनरोलमेंट करवाएं, हिबा आई वुड नॉट रिकमेंड के दोनों में इनरोल करवाएं अगर फर्स्ट टाइम आपको बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि बच्चे के लिए थोड़ा सा ओवरलोडेड हो जाएगा। तो आप किसी एक में करवाएं, या तो रोबोटिक्स में करवाएं या तो कोडिंग में करवाएं ताकि बच्चे का फोकस एक जगह पे हो। नोमान, कॉस्ट मैंने बता दी है, वैसे तो कॉस्ट कोडिंग के कोर्स की अगर आप समर कैंप अगर नेट पर सर्च करेंगे ना कोडिंग के, तो बहुत हाई होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस अवेयरनेस थ्रू आउट पाकिस्तान हम जो करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने कॉम्पिटिशन प्लस ये कोडिंग के कोर्स की जो फीस रखी है वो 3,000 पर स्टूडेंट रखी है। इसमें कॉम्पिटिशन भी एंट्री आपको दे रहे हैं और कोडिंग का कोर्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच पेरेंट्स फॉर योर टाइम। आई होप आप लोगों को टाइम जो है वो फ्रूटफुल रहा होगा और आप लोग जो है वो बोर नहीं हुए होंगे। अगर बोर हुए हैं तो काइंडली वो भी जरूर हमें बताएं, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे अपने वेबिनार को भी। हमने शॉर्ट रखने का रीज़न यही था कि टाइम आप लोगों का बहुत कीमती है, हमने चाहा था कि जितना शॉर्ट और जितना ज़्यादा आपको कंसाइज वे में चीज़ें बता दें उतना ज्यादा बेहतर है।
अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप लोग को अपनी तमाम क्यूरीज का आंसर मिल गया होगा और आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा होगा ये. मैं आपसे शेयर कर दूंगी अपने रजिस्ट्रेशन लिंक भी, हमारा फेसबुक पेज भी आप विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं. सिर्फ आप इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके अलावा जो हमारे रेगुलर कोर्सेज हैं उसके भी मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड आप लोग वहाँ पे भी इनरोल करवा सकते हैं. बाकी अगर किसी के भी कोई क्वेश्चन हैं तो हम आंसर कर देंगे. इज द टर्टल पार्ट ऑफ द पेंटिंग. सो मच ताहिर नईम. ओके, व्हिच लैंग्वेज आर यू गाइस टीचिंग? वी थैंक यू ऑल ऑफ यू. क्वेश्चंस ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. हम एंड कर रहे हैं फिर इसको, ठीक है? तो इंशाल्लाह आप लोग से फिर मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.